हनुमान जी ने उस राक्षस की तरफ देखा पर उससे युद्ध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे उसको प्रणाम करके वहां से वापस श्री राम के पास चले गए। दोस्तों, हनुमान जी को सबसे बलशाली माना जाता है। कहते हैं हनुमान जी की शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। तो ऐसा कौन सा राक्षस था जिसका सामना महाबली हनुमान भी नहीं कर पाए? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हनुमान जी को रुद्रावतार माना जाता है। वह भगवान राम के प्रिय भक्त हैं। माता सीता ने हनुमान जी की भक्ति देखकर उन्हें अमरता का वरदान दिया था। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को इच्छानुसार शरीर का आकार और गति बदलने का वरदान दिया था। हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियां थी। इनके प्रभाव से वे किसी का भी रूप धारण कर सकते थे। अत्यंत सूक्ष्म से लेकर अति विशाल काय देह धारण करने में सक्षम थे। जहां चाहे वहां मन की शक्ति से पल भर में पहुंच सकते थे। आप सोच रहे होंगे, महाबली हनुमान जिन्होंने बहुत ही शक्तिशाली राक्षस जैसे सिंह का, किंकर, रावण के 7 मंत्री तथा उसके 5 सेनापतियों को बहुत आसानी से मार दिया था, तो ऐसा कौन सा राक्षस आ गया जिसके आगे हनुमान जी ने भी अपने घुटने टेक दिए? जब श्री राम की सेना लंका पहुंची तो हनुमान जी, सुग्रीव और अन्य वानर सेना रावण की सेना पे भारी होने लगी। रावण, जिसको हनुमान जी की शक्तियों का पहले से ही अंदाजा था, उसको पता था कि हनुमान जी को हरा पाना असंभव होगा, क्योंकि हनुमान जी पहले ही पूरी लंका पे आग लगा चुके थे। रावण को इस बात का डर था कि उनका कोई भी योद्धा हनुमान जी के आगे नहीं टिक पाएगा। अपनी सेना को हारता देख रावण के मन में एक बहुत ही प्रभावशाली ख्याल आया। उसने देखा कि अब उसकी हार निश्चित है। रावण ने एक बहुत ही विशालकाय राक्षस को प्रकट किया। उस राक्षस के पूरे शरीर पर राम नाम लिखा था। अब जैसे ही वानर सेना उस राक्षस की तरफ आक्रमण के लिए जाती, उसके शरीर पर श्री राम का नाम देखकर अपने शस्त्र नहीं उठा पा रही थी। इसका फायदा उठाकर वह राक्षस सबका वध करने लगा। उस राक्षस ने युद्ध में तहस महस मचा दिया। इसके बाद हनुमान उस राक्षस का सामना करने आए। उस राक्षस के शरीर पे प्रभु राम का नाम देखकर हनुमान जी की हिम्मत नहीं हुई कि वे उस राक्षस पे हाथ उठा सके। हनुमान वहां से वापस लौट के श्री राम और विभीषण के पास गए और उनको पूरी बात बताई। विभीषण को रावण के बारे में सारी जानकारी थी। उसने श्री राम को बताया कि इस राक्षस के पूरे शरीर पर श्री राम लिखा है, पर 2 जगह पर नहीं। विभीषण ने बताया कि राक्षस की जीभ और उसके दिल में श्री राम का नाम नहीं है। प्रभु राम को समझ आ गया कि इस राक्षस को कैसे मारना है। उन्होंने अपने धनुष से एक शक्तिशाली बाण चलाया जो राक्षस की जीभ को चीरता हुआ उसके हृदय में जा लगा। इस तरह श्री राम ने उस राक्षस का वध करा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रावण का भाई कुंभकर्ण दरअसल एक रोबोट था? स्क्रीन पे दिए गए वीडियो पे क्लिक करें।